बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अब बेहतर हैं और फ्लू जो है वो किसी तरह कम होने पे है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात ये कहूँगी कि आज के दौर में अगर इंसान का सबसे बेहतरीन साथी है तो वह है उसकी सेहत। जी हाँ, सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि आपकी सेहत है तो आप भी चलते फिरते हंसते बसते बहुत अच्छे लगते हैं। और जहाँ पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या आपकी सेहत को कुछ हो जाए तो बस वहाँ पर ज़िंदगी को ब्रेक लग जाती है, और जो कि नहीं लगनी चाहिए। एनीवे, यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से हल्का सा फ्लू है, लेकिन उससे भी मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। और मैंने अपने लिए सिर्फ बनाया यहाँ पर फ्राई एग, और साथ में मैंने दो स्लाइस ले लिए थे, चाय बनाई, और बस ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और मोहम्मद की भी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो जो वो फ़िलहाल मांग रहा है मैं उसको दे रही हूँ। एंटीबायोटिक खाकर मुंह का जायका इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि कुछ भी खाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली खाना तो है। तो बस जो है वो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि मैं अपना नाश्ता ख़त्म कर रही हूँ, और आज मैंने यहाँ पर लंच में मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया था और अब मैं उसको वॉश कर रही हूँ। वैसे तो ये सीज़न की है और आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं होगा, तो इसको मैंने जस्ट पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया और उसको मैंने अच्छे से सौते कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कर लिया है। साथ में उसमें डाल दिया है क्यूमिन सीड्स और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हल्का सा इसको भी मैंने फ्राई किया है ऑयल में, और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटोज़। अच्छा, यहाँ पे मुझे फील हुआ कि टमाटो कम है तो मैंने एक टमाटो और ऐड कर दिया। सिंपली जैसे नॉर्मली हम सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला भूनते हैं, वैसे मैं भी मसाला भूनकर तभी खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा मसाला भून लिया है, उसमें मैंने ऐड की है हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, दैट्स इट। हर किसी का सब्ज़ी बनाने का एक तरीका होता है, और मैं सब कुछ एक साथ डालने से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले उसका मसाला भून लूँ और उसके बाद ही उसको कुक करूँ। यहाँ पे मैंने पहले गोभी डालकर उसको अच्छे से सौते किया है, क्योंकि मुझे इसके पानी जो इसने रिलीज़ करना होता है उसको थोड़ा सा ड्राई करना है, क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा में सब कुछ डाल के इसको मैं दम पे बना लूँगी तो सारा जो इसका वेजिस का पानी ये लोग रिलीज़ करते हैं वो सारा एक साथ रिलीज़ हो जाएगा, और जो गोभी है उसका बहुत ज़्यादा हलवा बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं बनाना। मुझे पहले गोभी को थोड़ा 5 से 7 मिनट मैंने फ्राई किया है, उसके पानी को थोड़ा सा ड्राई किया है, और उसके बाद मैंने उसमें आलू ऐड किए हैं। बस अब आलू ऐड करके भी मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई किया कि उसका पानी मज़ीद थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, और फिर मैंने उसको बाद में लिड लगा कर दम पर कुक किया है। हर किसी का अपना एक ऑन वे होता है, ये मेरा तरीका है, होप आपको अच्छा लगेगा। और इस तरीके से जो गोभी है उसका बिल्कुल भी भप्पा नहीं बनता, वो हलवा नहीं बनाती, और बड़ी अच्छी खड़ी खड़ी सी प्यारी सी गोभी बन जाती है, और पता लगता है कि ये गोभी का सालन है। अदरवाइज़ बाज़ोकात ऐसा होता है कि अगर आप उसको फ़ौरन लिड लगा कर कुक करने के लिए रख देते हैं फुल टाइम दम के ऊपर, तो वो बिल्कुल अपना जो उसकी अपनी शक्ल है वो खो देती है। यहाँ पर मेरी गोभी जो थी वो बिल्कुल गल गई थी, आलू को मैंने चेक कर लिया था वो भी गल गए थे, और मैंने फिर उसका लिड हटा दिया और उसमें गरम मसाला और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर ऐड किया था, और फिर इसको तेज़ आंच पर अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी ताकि इसका जो ऑयल है वो टॉप पर बस आ जाए। और सिंपली आई थिंक 20 मिनट्स में गोभी बिल्कुल रेडी हो जाती है, और ये मैंने बना ली थी। एक्चुअली आलू गोभी बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको गोभी का पराठा जो है वो बनाने को मिल जाता है। तो मेरे घर में नेक्स्ट मॉर्निंग गोभी आलू का पराठा जो है वो बहुत शौक से खाया जाता है।
एंड नाउ सी, यहाँ पे गोभी बिल्कुल रेडी थी और हमारा शाम का जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी हो गया था, और इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी और बस इसको एंजॉय किया था। सो क्यूट। Muhammad is unboxing his another gift. Like this. Okay, Muhammad, settle down. Wow. Okay, Dinia, ऐसे रहने दो. Okay, now Dinia's turn. Dinia, come there. Better. How you hold it? Like, tell us. Good Same job! Same like mom! My turn. Okay. No, let me just do this. Okay. Okay. Do you mean the floor? Can I again, Happy? Can I have a turn, please? Okay, you never have a choice. Okay, that's my turn. It's like a real ball. A toy. And yeah. I okay. Wow, good job. You ding ding ding. It's Xenia's turn. Nothing. It's okay. One more turn. Yeah, one more turn. You go to war. No, yeah. No, mama. Strike. No, mama. Can I? No, no. Up again, first one. Okay. Okay. Look at the
Ooh, good job. You turn, Mama. और बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी और एक रिक्वेस्ट ये करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।